राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में जानेंगे साल की पहली काला अष्टमी तिथि की संपूर्ण जानकारी। ये वर्ष हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवों को देव महादेव के रौद्र रूप काल भैरव देव की पूजा की जाती है। काला अष्टमी के दिन भगवान शिव के स्वरूप काल भैरव की पूजा होती है। काला अष्टमी को काल भैरव जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधक काला अष्टमी पर काल भैरव देव की कठिन भक्ति और साधना करते हैं। कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर काल भैरव देव साधकों को मन वांछित फल देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि काल भैरव देव की पूजा करने से सभी प्रकार के काल कष्ट दुख और संकट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं पौष माह की काला अष्टमी की डेट और तिथि। पौष मास की काला अष्टमी तिथि आरंभ होगी 3 जनवरी 2024 को शाम को 7:48 पर होगी और काला अष्टमी का समापन 4 जनवरी 2024 की रात में 10:04 पर होगी। पौष मास की काला अष्टमी 4 जनवरी 2024 गुरुवार को मनाया जाएगा। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ योग के बारे में। ज्योतिषियों की माने तो काला अष्टमी तिथि पर बालव, कौलव और तैतलीकरण का निर्माण हो रहा है। बालवकरण का योग सुबह 8:59 तक है। इसके बाद कौलवकरण का योग 10:04 तक है। अंत में तैतिल योग है। इस दिन भगवान शिव देर रात 10:04 तक जगत जननी आदि शक्ति माँ पार्वती के साथ रहेंगे। काला अष्टमी पर भगवान शिव की पूजा निशाकाल में होती है, अतः कौलवकरण में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को विशेष फल प्राप्त होगा। आइए जानते हैं काला अष्टमी व्रत का महत्व। काला अष्टमी की महिमा आदित्य पुराण में वर्णित है। काला अष्टमी पर पूजा के मुख्य देवता काल भैरव सहित भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। हिंदी में काल शब्द का अर्थ समय है, जबकि भैरव का अर्थ शिव की अभिव्यक्ति है। इसीलिए काल भैरव को समय का देवता भी कहा जाता है और भगवान शिव के आदर्शों द्वारा पूरी व्यक्ति के साथ उनकी पूजा की जाती है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार एक बार ब्रह्मा विष्णु और महेश के बीच में बहस के दौरान ब्रह्मा द्वारा की गई एक टिप्पणी से भगवान शिव नाराज हो गए और फिर महाकालेश्वर का रूप धारण किया और भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। तब से देवता और मनुष्य भगवान शिव के इस रूप में काल भैरव के रूप में पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है जो लोग काला अष्टमी पर भगवान शिव की पूजा करते हैं और वो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये भी सिद्धांत है, इस दिन भगवान भैरव देव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट काल और नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उनके घर में कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने पाती है। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। भगवान काल भैरव की पूजा विधि विधान इस प्रकार से है। काला अष्टमी व्रत के दिन की शुरुआत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके करें। पूजा स्थल का तय करें। शुभ मुहूर्त में पूजा के लिए एक साफ और शुद्ध स्थान चुनें। अगर आप भैरव यंत्र उपयोग कर रहे हैं तो उसे पूजा वाले स्थान के मध्य में रखें। स्थान को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए फूल, धूप और दीपक का प्रयोग करें के पश्चात काल भैरव देव की तस्वीर या मूर्ति के साथ आप अन्य देवी देवताओं जैसे देवी पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां भी रख सकते हैं। पूजा की शुरुआत में कलश स्थापित करें। इसके लिए एक लोटा या
कलश को सजाकर उसमें गंगा जल और फूल भरकर उसके ऊपर कलश के ढक्कन को रखें, इसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाएं और अब पंचामृत की तैयारी के लिए दूध, घी, दही, चीनी और शहद को एक बर्तन में मिलाएं। इसमें केसर, जावित्री और चावल भी मिलाएं। फिर इसे काल भैरव की मूर्ति या तस्वीर को चढ़ाएं। मंदिर में दीपक और धूप जलाएं और भगवान के लिए प्रसाद रखें। शाम के समय सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं। अब मंत्र जाप या काल भैरवाष्टक का पाठ करते हुए आरती करें। विधि विधान से भगवान की पूजा करें। शिवलिंग का जलाभिषेक करें। काल भैरव को फल, बेलपत्र, लाल चंदन, फूल, पंचामृत, नारियल आदि चढ़ाएं। भगवान को उड़द की दाल और सरसों का तेल भी अर्पित करना चाहिए। भैरव अष्टोत्तर सतनामावली का पाठ करें। यह सतनामावली भगवान भैरव के 108 नामों को संबोधित करती है और भक्तों को उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करने में मदद करती है। अब मंत्र जाप या काल भैरवाष्टक का पाठ करते हुए आरती करें। भजन और कीर्तन गाकर भगवान भैरव को प्रसन्न करें। भक्ति भाव से भजन करने से भगवान की कृपा बढ़ती है और आपके जीवन में सुख शांति का आनंद आता है। पूजा के बाद प्रसाद को वितरित करें। काल भैरव पूजा करते समय वास्तु दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें और सुनिश्चित करें कि पूजा करते समय पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर हो और भगवान को हमेशा ऊंचे मंच पर रखें। और अब जानते हैं काला अष्टमी पर पूजा करने के लिए भगवान भैरव देव की कौन से मंत्र हैं। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम काल भैरवाय नमः। अति क्रूर महाकाय कल्पांत दहनुपम भैरव नमस्तुभ्यम अनुज्ञा दातु महेश। ओम भय हरणम च भैरवा ओम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बम बटुकाय आप दुदार राय कुरु कुरु बटुकाय हिम। ये थे मंत्र और अब जानते हैं काल भैरव की पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। काल भैरव की पूजा में या फिर काला अष्टमी व्रत के दिन हमें शुद्ध मन से पूजा करनी चाहिए। इस दिन मांस मदिरा से हमें दूर रहना चाहिए, इसका सेवन ना करें। साथ ही घर परिवार में शांति बनाए रखना चाहिए। काला अष्टमी को काल भैरवाष्टमी भी कहते हैं। काल भैरवाष्टमी के दिन सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति के लिए ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और काल भैरवाष्टक का पाठ करना चाहिए। काल भैरव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और इसके बाद काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। और काल भैरव की पूजा कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। इस दिन पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती को अवश्य शामिल करें। गृहस्थ लोगों को भगवान भैरव की तामसिक पूजा नहीं करनी चाहिए और कुत्तों को मारे नहीं, बल्कि जितना हो सके उन्हें भोजन करें। इसके साथ ही काल भैरव जयंती या काला अष्टमी के दिन झूठ बोलने से बचें। इस दिन झूठ बोलने से आपको भारी नुकसान झेलना पड़ता है। काल भैरव की पूजा कभी भी किसी के नुकसान के मकसद से ना करें और अपने माता पिता और गुरुओं को अपमानित ना करें। और अब जानते हैं काल भैरव की पूजा किस रंग के वस्त्रों को धारण करके करनी चाहिए। शनिवार के दिन शनि देव के साथ भैरव महाराज का भी दिन माना जाता है, इसीलिए इनकी पूजा में आप गहरा काला, गहरा नीला, गहरा भूरा
या जामुनी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। इन रंगों को पहनकर पूजा करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस की वृद्धि होती है, इसीलिए इनकी पूजा में इन्हीं रंग के वस्त्रों को धारण करें और शुद्ध मन से काल भैरव की उपासना करें, उनकी पूजा करें। पूजा के अंत में क्षमा अवश्य मांगें भूल चूक के लिए। तो ये थी जानकारी साल 2024 की पहली काला अष्टमी की। आप और आपके पूरे परिवार पर बाबा काल भैरव शिव भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप फिर शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।